नमस्कार, मैं हिम्स चंडीगढ़ में हूँ। मेरे साथ एक बच्चा है, ये खुद बता देगा। सीकेडी का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसको डायलिसिस चल रहा है, इसको इसका डीटीबी स्कैन हो चुका है। ये खुद बता देगा इसकी किडनी खराब क्यों हुई और अभी इसकी क्या कंडीशन है, बताओ बेटा। मुझे 3 साल पहले किडनी में प्रॉब्लम हुई थी और जिसने मैदान था और जयपुर भी दिखाया था, सबने ट्रांसप्लांट की बोली है। फिर किसी ने मुझे सुझाव दिया हिम्स का, तो हिम्स आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और पहले से आप जब ट्रांसप्लांट की बोल दिया तो आप घबराए नहीं कि ट्रांसप्लांट? घबराया था जी, खर्चा भी लगेगा बिल्कुल। और उन्होंने क्या बोला था कि कोई इलाज नहीं है? कोई इलाज नहीं है, बस ट्रांसप्लांट के अलावा। और यहाँ पे आए हुए आपको कितने दिन हुए हैं? 5 दिन हुए हैं जी। 5 दिन में खुद को क्या महसूस हो रहा है? फर्क है जी, फर्क है, पहले से बेटर फील हो रहा है। आपके पापा से बात करते हैं, इनको ये जब एलोपैथी में गए, बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, उन्होंने क्या क्या बोला, क्या क्या कहा, ये खुद अपनी कहानी खुद बता देंगे। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ, मैं अपने बेटे को लेकर आया हूँ। उम्र 32 साल है। हमको लोगों ने, मेरे पास 3 साल से बच्चा बीमार है। मैंने बहुत बार सोचा यहाँ आने की, डॉक्टरों ने कहा क्यों मरने के लिए जा रहे हो? एक तो मेरे को, मैं नाम बाद में बताऊँगा, मेरा बच्चा सही होने दो, फिर मिलूँगा मैं डॉक्टर से, कि कुत्ते की मौत मरना है तो हिम्स में जाओ, ये बोला मेरे को उनकी। भाई ये जो वीडियो आपको देख रहे हो मोबाइल में, टीवी में जो आप देखते हो, ये सब 500-500 रुपये दिया हुआ है और ये ऐसे करके बना देते। मैंने समझा मन की सच होगा ऐसे। वो कहने लगे ऐसे पानी में अगर बैठने से अगर किडनी के पेशेंट सही होते हैं तो हजारों मरीज हैं इंडिया में, लाखों मरीज हैं, वो सब पानी में दिन भर ही बैठे रहेंगे। 2 घंटे क्यों, दिन रात बैठे रहेंगे गर्मी में? ऐसे कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, कोई आयुर्वेद नहीं, कुछ नहीं। फिर सब जगह में दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर सारे में घूम के आया। वो कहा भाई अब किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज नहीं है। हम लोग मध्यम वर्गीय हैं, हमारे पास पैसा नहीं है और हमने बड़ी हिम्मत करके चंडीगढ़ का टिकट कटाया। हम लोग उतरे यहाँ पर, घबराए हुए थे, यहाँ पर आके सबका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी से मिलने की मन में थी, मैंने टीवी में ही देखा था। मैं तो समझ रहा था कोई 60-70 साल की उम्र के, मेरी उम्र के बुजुर्ग होंगे, तो बहुत नौजवान हैं इनको। तो मैं तो कहता हूँ कि सारे इंडिया में ही ब्रांच खोलनी चाहिए। डॉक्टर राजीव ने भी हमें हाँ बहुत सपोर्ट किया है। डॉक्टर राजीव जो हाँ आपके साथ खड़े हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, जब ये किडनी फेल हुई और ये दिक्कतें आई, आप लोग कितना घबरा गए हो? आप मेरे को जब सुबह मिले थे, आप जब यहाँ हॉस्पिटल में आए थे, कितने एक सवाल थे मन में जो अब नहीं है? अब नहीं है, 2 दिन तक तो हम बहुत घबराए हुए थे और हम ये लगा कि हम चले जाएंगे यहाँ से, मगर सवाल थे कि कुछ पेशेंट से मिले, कुछ ने हमें समझाया, कुछ मनाली से थे, उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम्हारा सही हो जाएगा, बस इनको वही फॉलो करने की जरूरत है, खान पान और योगा वगैरह। बच्चे में भी और डॉक्टर रोहित का हमें बहुत अच्छा, आप ये बताओ, आप सारे का हमें बहुत सपोर्ट मिला है। डॉक्टर राजीव इस केस को देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट बताना चाहूंगा, हम लोग कोई जादू वादू थोड़ी करते हैं, कुछ नहीं। और पानी में बैठने के मैं उन लोगों को वो जवाब देना चाहूंगा जिन्होंने इनको पट्टी पढ़ाई कि पानी में बैठ के अगर ठीक हो सकता है बंदा तो पूरे दिन बैठे रहो। तो उन्होंने आयुर्वेद नहीं पढ़ा, आयुर्वेद में चरक के अंदर 14/44 सूत्र है, अवगाह स्वेदन। अवगाह स्वेदन एक टेक्निक का नाम है जिसमें बॉडी के अंदर के पसीने के द्वारा, किडनी जो किडनी हमारी है, स्किन को तीसरी किडनी बोला गया है कि किडनी पसीना निकाल के, टॉक्सिन्स को निकाल के अपने आप को रिजुनवेट करती है। और एटमॉस्फेयर प्रेशर जिसको हम ग्रैड सिस्टम बोलते हैं, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंट डाइट सिस्टम, उस सिस्टम से पुराने वाली किडनी हील भी होती है। और मैं आपको सैकड़ों पेशेंट के डीटीपीए स्कैन दिखा चुका हूं, जैसे इनकी किडनी भी 4.5% काम कर रही है। आज 8 अक्टूबर 2022 है, 8 अक्टूबर की डेट है आज की, शनिवार का दिन है। अब ये बच्चा जब हमारे पास 3 महीने बाद दोबारा डीटीपी स्कैन कराएगा, जो रिपोर्ट है कि किडनी 4.5% काम करे, डॉक्टर साहब रिपोर्ट लगी होगी, तो अब आप बताओ उसमें क्या दिखेगा नहीं कि किडनी 4.5 से 9 हो गई या 12 हो गई या 15 हो गई या 25 हो गई। ये आपके सामने है डीटीपी स्कैन, ये इसकी किडनी दोनों मिलाकर, दोनों किडनियां 4.5% काम कर रही है। ये देखो 4.484, यानी कि 1 मिनट में जो 100 ml किडनी को खून साफ करना चाहिए वो सिर्फ 4.5% ही, 4.5 ml ही कर पा रही है। तो ये रिपोर्ट हमारे हाथ में है, बच्चा हमारे साथ है, माँ बाप हमारे साथ है, सिर्फ बात है विश्वास की। तो अब इनको विश्वास हुआ क्योंकि इस हिम्स हॉस्पिटल में इनको ये कहा गया था
कि रोज यहां से एक लाश निकलती है, पता नहीं कितने लोग मर के निकलते हैं। तो ये सामने है, आप बताओ कितने के लोग आपके सामने अभी तक मर के निकले, जरा उन डॉक्टरों के मुंह पे भी। नहीं कोई नहीं, सब सब अच्छा बता रहे हैं, सब रिजल्ट अच्छा बता रहे हैं, सब बहुत अच्छा है। मेरा बच्चा सही हो गया, हमारा अलवर का मिल्क केक बहुत फेमस है पूरे इंडिया में। मैं पूरे स्टाफ को लाके अपने मन से बांटूंगा, मिल्क केक बांटूंगा। हम दूध की बनी चीजें खाने को पीने को मना करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं बांटूंगा बच्चों को, जरूर आपकी खुशी है, हम जरूर आपका साथ देंगे। तो मैं अंत में यही बोलना चाहूंगा, जैसा ये हिम्स चंडीगढ़ में है डेरा बस्सी में, ऐसा ही लखनऊ, जयपुर, जोधपुर, अभी मुंबई, क्या बोलते हैं इसको, अमृतसर, गुड़गांव, अभी जल्दी ही हम मेरठ में बहुत बड़ा 1000 बेड का हिम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पेशेंट के अटेंडेंट के रहने की भी सुविधा होगी। और हम कोशिश करके धीरे धीरे कुछ इस तरह का सिस्टम कर रहे हैं कि हम पैसा भी बिल्कुल कम से कम ले सकें, दवाइयां यहां बिल्कुल फ्री होती हैं, कोई दवाइयों के एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते, सिर्फ आपके भर्ती होने का और थेरेपीज का चार्ज लगता है। तो और सबसे बड़ी बात, 100% आयुष कवर वाला अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका सारा इलाज रिम्बर्स हो जाता है, यानी कि आपके इलाज के जो पैसे लगते हैं वो भी फ्री हो जाते हैं। पूछो मैंने क्या बोला इनको आते ही कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को रिम्बर्स करा लो, चेंज करा लो, मतलब चेंज करा लो, क्योंकि इन्होंने लोग क्या गलती करते हैं, एलोपैथी वाला इंश्योरेंस करा लेते हैं कि एलोपैथी में चले, दोनों जगह चलना चाहिए, उसको बोलते हैं 100% आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस। आपको पूरे देश के लोग देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल, बताया है उस कवर और मैं कराऊंगा उसको। वैसे आप कोई मैसेज देना चाहोगे किडनी के पेशेंट्स को? अच्छा ये बताओ कि किडनी फेल क्यों हुई आपके हिसाब से? सर मुझे बीपी हुआ था। और बीपी क्यों हुआ था? बीपी खान पान से। क्या खाते थे ऐसा बता दो ना दुनिया को। तानसेन, पान मसाला। पान मसाला, तो कृपया पान मसाला खाने वालों टिक जाओ, संभल जाओ, पूरा यूपी पूरा हिंदुस्तान पिचकारियां मार मार के खराब कर रखा है। ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये तंबाकू, ये जर्दा, ये पान मसाला, अब तो चिंगम भी कहता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास चिंगम वाला पेशेंट भी आ गया। एक बच्चा मेरे पास 17 साल का आया, वो एक साल से चिंगम खा रहा था, उसको भी किडनी फेल की प्रॉब्लम हो गई। तो उसमें भी तो केमिकल है ना, तो जो भी हम ये चीजें खा रहे हैं हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। तो धन्यवाद, इनका भी धन्यवाद, विश्वास करने के लिए आप सबका भी धन्यवाद, थैंक यू। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।